गुड इवनिंग टू ऑल स्वागत है आप सभी का टॉपस का अड्डा चैनल पे सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाएंगे बेटा जल्दी से कहाँ चले गए बेटा बाकी प्रणाम भाई प्रणाम प्रणाम चलिए आ गए सभी लग तो रहा है कि आ गए सभी है ना तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को तो जल्दी से सभी स्टूडेंट एक बार सेशन को शेयर कर दें फटाफट से लाइव आ जाएं चले भाई बताइए Good evening by good evening, good evening. R is denoted by N, D is denoted by T, I by U, O by I, E by R, T by O, U by D, N by C and see by then how the how will the word introduce introduce ko i n t r o d u c e introduce ko kaise likhenge? good evening bye good evening so r is denoted by n d is denoted by t I is denoted by U, O is by I, E by R, T by O, N by C, and C by E, and U by D. Either तो आ जाएगा मेरे पास यू सी ओ एन आई आई यू सी ओ एन आई टी डी ई आर ऑप्शन बी हो जाएगा बेटा आंसर है ना क्या हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चलिए बहुत बढ़िया बताइए भैया अगला सर्टेन कोर फायर इज कोडेड एट दिस एंड मूव इज रिटन एज दिसन द फॉलोइंग सेम वर्ट बी कोडेड वर्ड फॉर ओवर ओवर के लिए क्या आएगा फायर के लिए हमें दे रखा -E. है दे रखा है जेड एमडब्ल्यू सो पूछा गया बेटा ओवर के लिए ओवर के लिए क्या कोड आएगा आंसर दे बेटा जल्दी से भाई क्लास को शेयर भी करो है ना हाँ समस्या हो जाएगी ना बता तो रखा ही है चलिए क्योंकि बाकी तो आ नहीं रहे भैया कहां चले गए हैं बाकी छात्र हमारे तो ओवर के लिए बेटा ओ के लिए क्या आ जाएगा एम वी के लिए आपके पास क्या आ जाएगा W ई e के लिए तो ई e आएगा और आर के लिए क्या आ जाएगा ओ एम डब्ल्यू ई आ जाएगा O ई एम डब्ल्यू O आ जाएगा, -E -E जाएगा. चलिए बताइए अगला गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग अगला बताएं स्टूडेंट में ऐसे कितने पेयर्स हैं स्टूडेंट में निकालना है हमको एस टी एस टी यू सो टी यू भी बन जाएगा एक एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं है टी यू वी इधर नहीं है यू से आगे तो है ही नहीं एफ सी डी ई आ जाएगा ई एफ जी नहीं है ई एफ जी एच आई एन ओ पी क्यू आर एस ओ पी क्यू आर एस ठीक है टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं है एक दो तीन चार पांच पेयर आ रहे हैं हमारे तो पांच ही आ रहे हैं क्या पांच से ज्यादा भी आ रहे हैं किसी के बताओ गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई समय से आया करें क्लास यार है ना समय से भी और ज़रा शेयर भी कर दिया करें बढ़िया करके चलो बताओ नमस्कार भाई नमस्कार आकाश गुनियाल नया नाम दिख रहा बेटा ये तो बताएं भाई जल्दी से बताएं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन अब एटीन में अगर आप पेयर बनाते हुए चलोगे तो कैसे बनेगा बात एक मिनट हाँ भैया एक मिनट एक मिनट कमेंट करते रहे भैया हा? हाँ हाँ बहुत बड़ी अब देखो अगर हम एटीन में पेयर बने तो मैं कुछ ऐसे बना रहा हूँ एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच अब आप हो गए ये क्या बात हुई ये ऐसी बात देखो ये हो रहा है ए बी सी डी डी ए बी सी डी डी ए बी सी डी डी और ए बी सी तो क्या ऐसा आ रहा है कहीं पे बी ए डी डी सी बी ए डी डी सी ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर अच्छा ऐसे ही रहता हूं भाई मैं परिवर्तन जरूरी है ना कभी कभी थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए डेली एक जैसा देखोगे मुझे तो कहाँ मजा आएगा बताओ है ना तो थोड़ा सा अलग मोड में देखोगे मुझे तो जरूर परिवर्तन मिलेगा तुमको है ना हाँ हाँ चलिए बताइए फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर थर्ड एंड फोर्थ लेटर फिफ्थ एंड सिक्स लेटर एंड सोन आर इंटरचेंज देन वट विल बी द फोर्टीन लेटर फोर्टीन लेटर क्या होगा बताओ भाई फोर्टींथ लेटर क्या होगा ऐसी है बस बिल्कुल <laughs> भाई बिल्कुल थोड़ा आज नहा धोखे बढ़िया करके आया हूं ना मैं इसलिए <laughs> सही है सही है देखो फर्स्ट को सेकंड से हमने इंटरचेंज किया तो आप खुद सोचे हैं कि फोर्टींथ लेटर किससे चेंज होगा क्या फोटीन लेटर किससे चेंज होगा बताओ जरा यार देखो पहला होगा फिर आपके पास तीसरा फिर एक तीन पाँच सात नौ ग्यारह तेरह तेरह किससे होगा बेटा चेंज चौदह से किससे चेंज होगा चौदह से तो थर्टीन फोर्टीन पे क्या आ जाएगा एम आ जाएगा क्या आ जाएगा मेरे पास एम आ जाएगा है ना हाँ सिंपल समझ सकते हैं और सीरीज इन्वर्स कर रहे हैं मैं से भी चेंज कर रहा हूं उस पर अगला बताओ अब तुम लोग आ नहीं रहे हो लाइव देखो बेटा तो फिर तुम कहते हो कि सर हंसते हुए रहो तो देखो कैसे रहूंगा मैं हंसते हुए हैं हाँ रिवर्स का वैसे बात नहीं हो रही है वहां पे। बताओ हाँ अभी देखो चलो भाई गर्मा गर्म, गर्म चाय भी आ गई है मेरी तो अगर किसी को पीने की इच्छा है चाय तो वो क्या करें बना ले अपने लिए शादी होने वाली है हाँ भाई हाँ वैसडे को मैं छुट्टी पे रहूंगा तो मे भी उस दिन ना हो जाए कहीं ठीक है देखें ओके बनाए अथवा नहीं ठीक है चेक कर लेते हैं एल आई बी आर एल एल आई बी आर ए एल है नहीं दो एल नहीं है बेटा ठीक है आर ई एल ए टी आई ओ एन आर ई एल ए टी आई ओ एन यो तो सही है एस सी आर आई ए एल एस ई आर आई ए एल यो भी सही है बी आई टी टी ई आर एन बी आई टी टी ई आर एन ये भी सही है दैट मीन्स ये नहीं बनाया जा सकता इसमें डबल एल है ये नहीं बनाया जा सकता इसमें डबल एल है ठीक है हाँ अब देखते हैं क्या पता हो जाए उस दिन है ना नहीं नहीं बेटा एक ही दिन की है एक ही दिन की है भाई ज्यादा दिन की नहीं है ठीक है ना आंसर दो चलो तब तो तक मैं चाय पी लेता हूं <laughs> चलिए आंसर दीजिए जल्दी से बेटा वेन्सडे को नहीं हो पाएगी आपकी क्लास ठीक है अगर आप यहां पे थोड़ा ध्यान से देखें दो तीन पाँच, सात ग्यारह के बाद क्या आएगा गुरु जी ये है बेटा तेरा क्यों आएगा तेरा क्योंकि ये है आपके अभाज्य संख्याएं क्या है बेटा प्राइम नंबर है क्या है ये प्राइम नंबर है ये अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर से. बताओ मुझे दिख रहा है ऊपर ये फिगर दिख रही है जरा जल्दी से बताओ दिख रहे हैं क्या अरे नहीं दिख रहे हैं ना थोड़े थोड़े से दिख रहे हैं जैसे ऐसा लग रहा है मुझे थोड़े थोड़े से दिख रहा है यह बेटा आपका सिक्स फोर नाइन सिक्स यह आपका नाइन एट थ्री ट्वेंटी फोर यह आपका नाइन क्वेश्चन मार्क सिक्स एंड फिफ्टीन ये दे रखा ये दे रखा बहुत बढ़िया तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट बेटा और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम है सिक्स इंटू सिक्स एंड फोर इंटू नाइन इन दोनों का प्रोडक्ट नाइन इंटू एट सेवनटी टू और ट्वेंटी फोर इंटू थ्री सेवनटी टू सेम है इन दोनों का प्रोडक्ट पंद्रह छ 90 नब्बे आ जाएगा और मुझे नाइन इंटू क्वेश्चन मार्क चाहिए होगा तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी नाइनटी बाई नाइन दैट मीन्स टेन हो जाएगी क्या हो जाएगी टेन हो जाएगी batao agla वन का स्क्वायर फोर का स्क्वायर नाइन का स्क्वायर लेकिन ये क्या है, है? ये तो थ्री की पावर फाइव लग रहा मुझे है ना बताइए अगला प्रश्न बताओ भाई क्रॉस मीन्स सब्ट्रैक्ट प्लस मींस मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट प्लस मींस मल्टीप्लाई बाकी तो कुछ है नहीं यहां पे तो सिक्स इंटू टू इंटू फाइव सिक्स रहा होगा आंसर सिक्स रहा होगा आंसर है ना चलिए बताइए आंसर दें बेटा सभी स्टूडेंट आंसर दें बढ़िया करके आंसर्स देते रहें ठीक है कुछ चीज़ें अभी धीरे धीरे मैं इसमें अब चेंजेस भी करूँगा परेशान ना हो सीरीज बहुत क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं ठीक है ना सो टॉपिक वाइज सेशन या कुछ इस तरह से कुछ नई चीज लेके आएंगे यहाँ पे एस एस सी सीजीएल के लिए भी जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए भी कुछ आएंगी चीजें कुछ करते हैं परिवर्तन है ना टाइम भी थोड़ा चेंज हो सकता है मैंने जैसा आपसे पहले भी कहा था तो कुछ टाइम में भी चेंजेस करेंगे चल एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रन ऑफ ए ए के चिल्ड्रन है बेटा कौन एक्स एंड वाई ए इज फादर ऑफ एक्स बट वाई इज नॉट सन तो वाई क्या है डॉटर हो जाएगी ए क्या है फादर ठीक है हाउ इज वाई रिलेटेड टू है तो वाई क्या हो जाएगी डॉटर हो जाएगी बात तो एक ही हो गई वाई क्या हो जाएगी डॉटर हो जाएगी चलो बताओ देखते हैं बेटा क्या होता है क्या सुटेबल चीजें निकल के आती आंसर दो जरा इसका

a man is standing facing west एक आदमी पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा west direction है बेटा वेस्ट डायरेक्शन में ठीक है वैसे तो मैंने ये क्वेश्चन कई बार करवाए हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको 45 डिग्री क्लॉकवाइज लेता हो क्या लेता है 45 डिग्री क्लॉकवाइज ठीक एंड टेक 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन फिर से 180 डिग्री क्या करता है क्लॉकवाइज ही लेता है ठीक है ना देन ही टर्न टू सेवेंटी डिग्री एंटी क्लॉक वाइज और दो सौ सत्तर डिग्री क्या लेता है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्श दो सौ सत्तर डिग्री एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन तो भैया क्लॉक वाइज वाइज जोड़ दो 225 डिग्री आएगा क्लॉक वाइज दो डिग्री हमारे पास क्या है एंटी क्लाक वाइज ठीक है ना ये हो जाएगा मेरे पास 45 डिग्री एंटी क्लाक वाइज जिसकी डायरेक्शन ज्यादा होती है जिस डायरेक्शन में वैल्यू ज्यादा होती है उसी डायरेक्शन में हम मूव करते हैं ना तो घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में घूमेंगे पैंतालीस डिग्री तो यहां पहुंच जाएंगे और ये क्या होगा साउथ वेस्ट होगा दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी मेरे पास क्या हो जाएगी बेटा दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी ठीक है ना दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी चलिए बताइए बताइए भाई बताइए आंसर बताइए आई थिंक बोर्ड तो अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना बोर्ड बिल्कुल ही क्लियर दिख रहा है बढ़िया करके तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्यों भाई बिल्कुल चमकदार दिख रहा होगा चमकदार सम रूम्स आर चेयर कुछ कमरे कुर्सियां हैं सम रूम्स आर चेयर ऑल रूम्स आर टेबल सभी के सभी रूम क्या है बेटा टेबल हैं टेबल है सभी टेबल पंखे हैं ऑल टेबल आर फैन सम फैंस आर चेयर कुछ फैन चेयर है बिल्कुल हैं भैया कुछ टेबल कुर्सी है सम टेबल आर चेयर बिल्कुल है भैया बोथ फर्स्ट एंड सेकंड अनुसरण करेगा फॉलो करेगा ऑप्शन ई हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा क्लियर है चलिए बताइए अरे क्वेश्चन करो नालायक लागो क्वेश्चन करो पढ़ लो कुछ पढ़ लो है कुछ पढ़ लो कुछ पढ़ो कुछ, पढ़ो, कुछ बनो पापा का मगरमच्छ सर मैगी वाले सर आपको ही बोलते हैं क्या हाँ भाई तुमने मुझे लग रहा है वो नहीं देखा वो बात अलग तो है कि किसी कारण वह समय कटवाने पड़ गए बाल नहीं तो आपने थंबनेल तो देखा ही होगा यार है इन ओ बॉयज एज फिफ्टीन फ्रॉम द लेफ्ट ए क्या है पंद्रह है लेफ्ट से ए क्या है फिफ्टीन एंड इज फोर्थ फ्रॉम द राइट और बी क्या है राइट right से फोर्थ है बी क्या है राइट right से फोर्थ है देर आर थ्री बॉयज बिटवीन दम ठीक है एंड इज टू दिडल इमिडिएट ए इनके बीच में तीन लोग हैं भैया एक दो तीन और सी क्या ए के लेफ्ट में है तो सी यहां पे है ठीक है सी क्या इमिडिएट लेफ्ट में अब पूछा जा रहा है वट इज द पोजिशन ऑफ सी फ्रॉम द राइट तो चार ये हो गया पांच छह सात आठ और नौवे पे सी आएगा इसमें क्या बड़ी बात है नाइन्थ पे आ जाएगा सी किस पे आ जाएगा बेटा नाइन्थ पे आ जाएगा चार तो बी तक है पांचवां छठवां सातवां जो तीन थे एक हो गया ए आठवां और एक सी की पोजिशन बताने तो नाइन्थ हो जाएगा ठीक है नाइन्थ हो जाएगा बेटा अगला बताएं हा जी आयत निकालने हैं भैया आयत निकालने तो इस वाले हिस्से का तो कोई यूज है नहीं ऐसे कर लेते हैं ऐसे तो एक दो एक दो है ना एक दो तीन एक दो तीन तीन गुणे तीन गुरु जी हो गए नौ आंसर आ गया नौ बस यही तो बताया था आंसर क्या हो जाएगा नौ हो जाएगा आंसर सिंपली नो हो जाएगा बताओ जल प्रतिबिंब क्या होगा भैया जल प्रतिबिंब निकालना है जल प्रतिबिंब निकालना है जल्दी से निकालो हमारे पास मैंने क्या कहा था वाटर इमेज निकालने के लिए बेटा आपको 18 30 में से या फिर 17 90 में से माइनस करते हैं सो so, 18 30 से माइनस हो जाएगा इजीली कर लेते हैं 17 आ जाएगा यहाँ पे ये यह आ जाएगा 15 15 17 आएगा 15 17 का मतलब है तीन सत्रह तो तीन सत्रह हो जाएगा मेरा आंसर तीन सत्रह आंसर हो जाएगा ठीक है हाँ चलिए बताइए वुमन मदर एंड डॉक्टर वुमेन मदर और डॉक्टर तो ए आ जाना चाहिए है ना अगर हम बात करें यहां पे, तो वुमेन मदर एंड डॉक्टर वुमेन मदर एंड डॉक्टर तो कोई पर्सन वुमेन मदर और डॉक्टर तीनों हो सकता है तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारे पास ए आंसर आ जाएगा ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है अगर आप फिगर्स में देखें वाटर इमेज मुझे निकालना है तो क्या सॉरी मिरर इमेज मुझे निकालना है तो कुछ इस तरफ के लिए ये बनना चाहिए था है ना बात समझ रहे हो ये ऐसे बनेगा ऐसे इस तरह से बनेगा ये तो इस तरह से बनेगा इस तरह से बनेगा तो ये तो नहीं आएगा अब देखो ये वाला हिस्सा इस देखो इसका ये वाला ये इस तरफ से ऐसे बनना चाहिए था इसमें भी गलत है इसमें भी गलत है तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा सीधे सीधे क्या हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा सर सी भी हो सकता है कहाँ हो सकता है सी सी नहीं हो सकता बेटा यहां पे सी में क्या रखोगे आप डॉक्टर के अंदर रखोगे क्या मदर्स को कहाँ रखोगे है सी नहीं होगा ए ही आएगा ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास यहां पे बी हो जाएगा इसका जो प्रॉपर आपका मिरर इमेज है बताओ एक मिनट यार हाँ सी ही आएगा आंसर इसमें सी आएगा सही कह रहे हो मैंने ऑप्शन देखा नहीं ना ध्यान से आंसर सी आएगा सही कह रहे हैं जो भी आपके पास मदर होंगी वो क्या होंगी वुमेन के अंदर आएंगी और ये डॉक्टर हो जाएगा ये बनेगा इसका आंसर इसका आंसर ये बनेगा भाई सही कह रहे हैं ऑप्शन सी बनेगा आंसर ठीक है देख लेना कोई दिक्कत नहीं है आंसर उसको चेक कर लो ठीक सी होगा आंसर बिल्कुल सही कह रहे हैं जो मदर होंगी वो तो वुमेन ही होंगी ना जितनी भी माताएं होंगी वो क्या होंगी वुमेन्स ही तो होंगी और डॉक्टर आपने अलग से बना दें ठीक चलो बताओ कोई नहीं कोई नहीं हो जाता है कभी कभी यहां देखें अगर हम तो आंसर मेरे पास क्या आएगा यहां पे बी आ जाएगा सिंपली है ना क्योंकि ये कट लग रहा है ये इधर को ऐसे होगा फिर हमारे पास ऐसे होगा और इस तरह से बनेगा तो ऐसा किसमें ऑप्शन बी में है तो बी आंसर आ जाएगा यहां पे विषम का चयन करना भैया मिजोरम कोहिमा सिक्किम एंड मणिपुर बताओ क्या होगा अलग अलग बताओ जल्दी से रीजन भी बताओ क्यों है अलग कोई जाएगी बेटा क्योंकि ये क्या है कैपिटल है ये क्या है राजधानी है बाकी क्या है मेरे पास ये स्टेट है ठीक है ना क्या है ये कैपिटल है बाकी क्या है स्टेट है ठीक है हाँ चलो कंप्यूटर पे आते हैं भाई कंप्यूटर पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वाले पे हैं अब हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को करेंगे मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाले पोर्शन पे ठीक है बताए एनी कॉम्पोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच एनी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच उसको हम क्या कहेंगे जिसको हम सी भी कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं हार्डवेयर उसे हम कहेंगे कि हाँ बिल्कुल हार्डवेयर हम उसको कहेंगे क्योंकि हार्डवेयर ही हम क्या कर सकते हैं बेटा हार्डवेयर को ही हम सी एंड टच कर सकते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा हार्डवेयर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर कौन सा हार्डवेयर नहीं है प्रोसेसर चिप ये तो हार्डवेयर है प्रिंटर हार्डवेयर माउस हार्डवेयर ये क्या है बेटा प्रोग्राम है ये क्या है एक प्रोग्राम है या फिर सॉफ्टवेयर ऐसे समझ लो प्रोग्राम नहीं सॉफ्टवेयर लिख लो इसको ये आपका क्या है सॉफ्टवेयर ठीक है चलिए Device is any hardware component that allow you to enter data and instruction into a computer. तो और उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे बेटा इनपुट डिवाइस कहेंगे क्या कहेंगे इनपुट डिवाइस कहेंगे जो भी इनपुट डिवाइसेस हमारी होती हैं ए डी अजय मौर्य बिल्कुल भाई इसी तरह से कहानी रहेगी बेटा तो दिक्कत हो जाएगी इसीलिए मैं पहले से कहते हुए आ रहा हूं चलो कंप्यूटर गेट्स विद द हेल्प ऑफ माउस जॉयस्टिक और की अगर आप माउस जॉयस्टिक और की की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर से क्या होगा इनपुट मिलेगा कंप्यूटर को क्या होगा इनपुट मिलेगा ठीक है कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड किसका एग्जांपल है भाई इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस मेमोरी डिवाइस किसका एग्जाम्पल है ये तो आता ही है सिंपल ही क्वेश्चन है इनपुट डिवाइस का है ना कीबोर्ड किसका एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमरिकल डेटा इन टू कंप्यूटर सिस्टम इज थ्रू द यूज ऑफ कीबोर्ड अगर हमें क्या डालना है बेटा इसमें क्या रखना है टेक्स्ट अगर इंटर करना है और न्यूमरिकल डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट देना है तो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं ये कीबोर्ड की हेल्प से कर सकते हैं ठीक है किसकी हेल्प से कर सकते हैं कीबोर्ड की हेल्प से कर सकते हैं बताइए भाई टॉगल कीज किसे कहते हैं आंसर दें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ कुछ च कीज ऑल्सो नोन एज टॉगल की जल्दी से बताओ है आप ही दोगे आंसर बेटा बताओ जल्दी से बेटा दोनों की दोनों आपकी टॉगल की होती है क्यों कहते हैं हम इनको टॉगल की क्योंकि कैप्स लॉक अगर हम बात करें तो कैप्स लॉक ऑन ऑफ करके क्या होगा आपके लेटर्स स्मॉलर कैपिटल होते हैं ना ऐसी नम लॉक से आपका जो नंबर पैड का लॉक होता है उसको आप क्या कर सकते हैं ऑन ऑफ कर सकते हैं तो टॉगलिंग करेगा ये ऑन और ऑफ के बीच में या लोअर केस या अपर केस के बीच में टॉगलिंग करता है इस का नाम क्या होता है टॉगल की कहते हैं ठीक तो ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर यू कैन यूज द टैब की टैब की का यूज क्यों करते हैं हम टैब की टैब की आपने देखिए ना टैब हमारे पास एक की होती है उसका यूज क्यों करते हैं हम बताओ सो so, टैब की का यूज करते हैं मूव अ कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन बिल्कुल भाई कोई कर्सर है अगर कोई कर्सर अगर मेरे पास तो मुझे इस तरह से स्क्रीन में आगे बढ़ाना तो मैं क्या करूंगा उसमें टैब की का यूज करूंगा या फिर किसी पैराग्राफ को जैसे कि हमने पूरा पैराग्राफ लिख दिया यहां पे अब यहां पे पहुंच गए हम तो यहां पे अगर यहां से लिखना स्टार्ट करना चाह रहे तो टैब की प्रेस करेंगे तो पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए भी आता है तो बोथ वन एंड टू हमारा आंसर हो जाएगा टू मूव द बिगिनिंग ऑफ द लाइन ऑफ द टेक्स प्रेस द किसको हम प्रेस करेंगे अगर मुझे बिगिनिंग ऑफ द लाइन में जाना है बिगनिंग ऑफ द लाइन में जाना है तो किसको प्रेस करेंगे भाई बिगनिंग ऑफ द लाइन में जाएंगे तो किसको प्रेस करेंगे जल्दी से बताओ वाह भाई वाह इंटर की बहुत बढ़िया कितने अच्छे हो आप कितने अच्छे हो आप भाई होम की प्रेस करते हैं बेटा होम की ठीक है की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन कौन सा स्टार्ट बटन को कौन लॉन्च करता है लास्ट क्वेश्चन आज का स्टार्ट बटन को कौन लॉन्च करता है स्टार्ट बटन मतलब